सो ये है गाइस पिक्सेल ऐप से क्रिएट किया गया ओरिजिनल थंबनेल, जो कि क्वालिटी तो बढ़िया है बट इसमें कलर कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है जिससे इसका क्वालिटी लो लग रहा है। और ये है गाइस उसी थंबनेल को लाइटरूम से कलर करेक्शन किया गया जिसका क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, आप लोग दोनों में फ़र्क मिलाओ कि कौन आप लोग को सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो गाइस अगर आप लोग भी अपने थंबनेल को कुछ ऐसा से आप लोग ऐसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। सो ये है गाइस मेन थंबनेल जो कि पिक्सेल ऐप से क्रिएट किया गया है। इसमें क्वालिटी बहुत ही मस्त है बट इसमें कलर करेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसमें हम लोग कलर करेक्शन करने वाले हैं जिसके बाद आप लोग रिजल्ट देखिएगा। इसको यहाँ सेंड पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को ऐड टू लाइटरूम में क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके पास लाइटरूम नहीं तो आप लोग से मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आप लोग को लाइटरूम पर क्लिक करना है और फाइनली यहाँ पर हमारा थंबनेल आ चुका है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब इसमें आप लोग देखते हो इसका क्वालिटी कितना ज़्यादा लो है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ, सबसे पहला यहाँ पे है लाइट पे आप लोग क्लिक करना है और अगर आपके थंबनेल का लाइटिंग वगैरह कम है तो उसके लिए आप लोग इसमें कलर करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक्सपोर्स को आप लोग को कुछ ही तरह से आप लोग थंबनेल के हिसाब से अगर आपके थंबनेल में ज़्यादा लाइटिंग होगा तो आप लोग को कम करना है, अगर लाइटिंग कम होगा तो आप लोग को ज़्यादा करना है कुछ ही तरह से। तो माइनस यहाँ पर हम सॉरी मतलब यहाँ +9 पर आप लोग मैं रखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। और यहाँ सेकेंड वाले को आप लोग को देखना है, इसमें आप लोग को अपने थंबनेल को थोड़ा बहुत क्वालिटी इंक्रीज करता है तो इसमें आप लोग को +10 में आप लोग को रखना है। और यहाँ हाईलाइट को आप लोग को ज़्यादा माइनस में भी नहीं, ज़्यादा प्लस में भी नहीं, आप लोग को हल्का माइनस में बस आप लोग को -5 में आप लोग को रखना है। और यहाँ शैडो पे शैडो को आप लोग को हल्का ज़्यादा आप लोग के चेहरे में नॉइस ज़्यादा देता है तो इसको आप लोग को माइनस हल्का मतलब -5 में आप लोग को रखना है। और इस वाइट को अगर आपके थंबनेल का कलर वाइट रहेगा तो आप लोग वाइट का कलर इंक्रीज करेगा तो इसको आप लोग को ज़्यादा नहीं बस मेरे पास काम नहीं कर रहा बस +2 में आप लोग को रखना है। और ब्लैक को आप लोग को ब्लैक अगर कलर रहेगा तो उसको आप लोग को मतलब देखिए तो बाल में हमारा मतलब फ़र्क पड़ रहा है तो इसको आप लोग को माइनस इसको भी आप लोग को 10 में रखना है। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ अब गाइस आप लोग को मिक्स पर क्लिक करना है और ये है हमारा कलर करेक्शन जो कि इसी से हमारा थंबनेल का क्वालिटी इंक्रीज होने वाला है। तो इसके लिए गाइस आप लोग को ये जो है ना इसको आप लोग को माइनस करना है, आप लोग को सॉरी काम नहीं कर रहा तो फिलहाल के लिए मैं इसको पूरा मतलब कम करता हूँ। देख सकते हो आप लोग को अपने थंबनेल के हिसाब से मैं यहाँ पर -50 में रखता हूँ। आप लोग को थंबनेल का क्वालिटी कोई और होगा तो मतलब थंबनेल का कलर कोई और होगा तो मुझे पता नहीं बट आप लोग इतना इसी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऐसे करके देखिएगा आप लोग। इसको -50 में रखना और इसको आप लोग को माइनस मतलब +50 में आप लोग को रखना इसको तो कुछ इस तरह से -50 में। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको भी हल्का आप लोग को लो करना है, मैं उतना नहीं बता रहा हूँ आप लोग को समझ जाइएगा। और इसको आप लोग को हल्का बढ़ाना है हल्का तो इतना मैं बढ़ा लेता हूँ 8 में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से गाइस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको आप लोग को हल्का आप लोग को ज़्यादा नहीं हल्का बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको हल्का कम करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे। और यहाँ पे भी इसको अगर आप लोग को सभी कलर रहेगा ना मिक्स तो आप लोग को और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। और यहाँ पर क्लिक करके अब देखना हमारे बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है। देख दो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर आप लोग खुद देखिएगा, देख दो यहाँ पर आप लोग देख लो अच्छे से इंक्रीज होने लगा है बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह से देख दो। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको भी आप लोग को हल्का बढ़ाना है ज़्यादा नहीं हल्का सा। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करके आप लोग इसको भी माइनस कर सकते हो हल्का सा। अब यहाँ डन पे क्लिक करना है और यहाँ अब आप लोग के इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को ये दोनों को हल्का हल्का ना माइनस करना है क्योंकि ना इससे आपके चेहरे में जो नॉइस वगैरह रहता है वो सभी हट जाएगा। देख दो यहाँ पे चेहरा क्वालिटी आप लोग देख दो और इसको हल्का सा आप लोग बढ़ाना है ए साइड से जो ब्लैक करता है देख दो इसका ही इसी से क्वालिटी इंक्रीज ज़्यादा होता है तो इसको जितना बढ़ाओगे उतना क्वालिटी इंक्रीज होगा तो ज़्यादा भी नहीं करना है आप लोग को। और यहाँ इसको आप लोग को माइनस करना है हल्का सा तो चलिए यहाँ से माइनस करते हैं ए साइड से ब्लैक करता है देख दो तो इसको ज़्यादा नहीं करना आप लोग को बस इतना। अब गाइस यहाँ से आप लोग को हमारा हो चुका है। अब यहाँ आप लोग को डिटेल्स पे क्लिक करना और इस सभी को ना आप लोग को हल्का हल्का बढ़ा देना है, इससे हमारे थंबनेल में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज होता है तो ये सभी को आप लोग को हल्का हल्का बढ़ा लेना है हल्का हल्का ये सभी जितना यहाँ सेटिंग देगा ये सभी को आप लोग को बढ़ा लेना है। अब यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप लोग को इस सभी को दोनों को इनेबल कर देना है। अब गाइस आप लोग यहाँ पर खुद देखना कि कैसे हमारे थंबनेल का क्वालिटी इंक्रीज हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सर्च लेने देते हैं इसको। अब देख लो यहाँ पर ये मतलब अभी
मूवी का थंबनेल है और यहाँ पे ये देखो ओरिजिनल थंबनेल है। अब आप लोग कमेंट बताओ कि कैसा लगा आप लोग को। देख सकते हो यहाँ पे एडिटिंग किया गया। अभी इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ सेव टू डिवाइस पे आप लोग को क्लिक करना है तो आप लोग को सेव डिवाइस में हो जाएगा। आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए